राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पर आज गोविंदगढ़ ब्लॉक नर्सेज संयुक्त समिति के तत्वाधान में नर्सेज की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ब्लॉक के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप जिला चिकित्सालय चौमू पर नर्सेज द्वारा सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे के लिए गेट मीटिंग व विरोध प्रदर्शन किया गया। सचिव सहीराम चौधरी ने बताया कि प्रदेश संघर्ष समिति के सदस्य के यादव, राजेंद्र मीणा, यजवेंद्र यादव, कैलाश गुर्जर, जयपुर जिला संयोजक अनेश सैनिकम मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। ब्लॉक संयुक्त समिति के संयोजक देवदत्त शर्मा ने संघर्ष के आगामी चरणों पर विस्तार से चर्चा की एवं ब्लॉक के सभी नर्सेज साथियों से आह्वान किया कि नर्सेज की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर दिनांक 4 अगस्त को SMS हॉस्पिटल के गेट नंबर 3 पर ब्लॉक गोविंदगढ़ नर्सेज की तरफ से सामूहिक धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक नर्सेज साथियों को उपस्थित होना है। इस अवसर पर रिद्धकरण सोनवाल, बुद्धि प्रकाश मीणा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अमित सैनी, प्रदेश संघर्ष समिति सदस्य प्रवीण सैनी, सचिव सही राम चौधरी, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश डबरिया, सहसंयोजक सुनीता टाग, सुमन कुमावत, लक्ष्मी नारायण कुमावत, बजरंग लाल शर्मा, राजेश शर्मा, अमिताभ महला, सुरेंद्र शर्मा, शकुंतला शर्मा, मुकेश चौधरी, सुमन कुमावत, संगीता, दीपमाला, सरोज कुलदीप एवं अन्य नर्सेज साथी भी उपस्थित रहे। नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पर आज गोविंदगढ़ ब्लॉक की नर्सेज ने 2 घंटे 8 बजे से 10 बजे तक गेट मीटिंग करके विरोध प्रदर्शन किया है जो प्रांतीय आह्वान पे है। हमारा ये कार्यक्रम 18 जुलाई से सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर चल रहा है। इसके तहत हम 11 सूत्रीय मांगों को लेके और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं और ध्यान आकर्षण कर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और चिकित्सा मंत्री जी से आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारी 11 सूत्रीय मांगों को जल्दी से जल्दी सुनकर उनका निस्तारण करें और हमारी प्रांतीय समिति जो है उसे वार्ता कर इन समस्याओं का समाधान करें। अगर देखिए पिछले 18 तारीख से आज 16वां दिन है, कल हमने जयपुर में और सभी जिला मुख्यालयों पर सभी जिला अस्पतालों में 2-2 घंटे का गेट मीटिंग करके विरोध प्रदर्शन किया। हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में मरीजों को और जो चिकित्सा की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित नहीं हो, इसलिए हमारा मानना ये है कि मुख्यमंत्री जी इस विषय में जल्दी से जल्दी प्रसंज्ञान लें। नहीं तो अभी 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक हमारे जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सब में 2-2 घंटे का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उसके बाद में 10 तारीख को हम सभी जिलों की कलेक्ट्रेट जो जितनी भी हैं उनका घेराव करेंगे और उसके बाद में 14 तारीख को 14 अगस्त को हम 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर कैंडल मार्च करेंगे, 15 अगस्त को ध्वजारोहण करेंगे हम जितने भी धरना स्थल हैं हमारे, और 16 तारीख से पूरे संपूर्ण राजस्थान में सब सेंटर से लेकर और जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में हम 2-2 घंटे का कार्य विरोध करके विरोध प्रदर्शन करके और सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे। और ये सब बातें भी अगर राज्य सरकार हमारी सुनती नहीं है या चिकित्सा मंत्री जो और मुख्यमंत्री जी इस पर कोई प्रसंज्ञान नहीं लेते हैं तो 23 अगस्त को राजस्थान के इतिहास में नर्सेज की सबसे बड़ी महारैली जयपुर में होने जा रही है। मैंने सैनी जिला संयोजक जयपुर।